ओफो रियली मार के लॉन्च। देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा था ना वेट का थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा ही होगा। और स्प्लेंडर भाई निकली जा रही है। तुम लखनऊ वाले को कैसे हरा सकते हो? रुको रुक जाओ, चीख दिमाग डम डम हट भैंस की टांग। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का कंपैरिजन टेस्ट हम आपके लिए लेके आए हैं हीरो की लॉर्ड स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 के बीच में और फ्रीडम की 125 वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल के बीच में। तो दोनों का डिफरेंस प्राइस वगैरह सब बताते हैं, फिर ड्रैग शुरू करते हैं और देखते हैं दोनों में से फास्ट कौन सी है। बाकी कंपैरिजन भी सबसे पहले शुरू करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप देख लो, दोनों में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं बट यहाँ पे अनकवर्ड है, यहाँ पे पूरा कवर्ड है। यहाँ पे आपको डिस्क का भी ऑप्शन मिलता है, ड्रम का भी मिलता है, बट यहाँ पे डिस्क ऑप्शन अभी तक नहीं दिया है हीरो ने। FI सिस्टम के साथ ये बाइक आती है, यहाँ पे तो आप जानते हैं FI सिस्टम है। साथ ही साथ 2 kg का गैस डलवा सकते हो और 2 लीटर फ्यूल टैंक इसमें आप डलवा सकते हो, इतनी ही सुविधा दी है बजाज ने। बट यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई साहब इसके ओवरऑल लुक्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉर्ड स्प्लेंडर का लुक कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस जो चेंज किया है वो FI सिस्टम में, आगे के हेडलाइट में और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। बाकी का हैंडल बार भी अभी तक वही का वही है जो पहले आता था, वही आज भी है। और ये बिल्कुल 125 सीसी में एकदम नए अवतार में दे दी है इन्होंने। और ये 97-98 सीसी की बाइक है, जैसा कि आप जानते हो ये प्रोड्यूस करती है 8 PS की पावर और सिर्फ 8 Nm का टॉर्क, बट ये प्रोड्यूस करती है 9.5 PS की पावर, 9.7 Nm का टॉर्क। सीट यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आपको इतनी सी सीट मिलती है, बट यहाँ पे सीट के मैटर में भाई साहब इन्होंने एकदम जहाज लैंड कराने के लिए रनवे बना दिया है, ऐसा लग रहा है। एकदम तगड़ी सीट दी है इन्होंने, किक स्टार्ट का ऑप्शन आपको दोनों में मिल जाता है। साथ ही साथ अगर स्प्लेंडर की बात करें तो यहाँ पे आपको हजार्ड फ्लैशर भी मिल जाते हैं, बट इसमें हजार्ड फ्लैशर आपको नहीं दिया है, बट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इसमें भी मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट चार्जर भी मिलता है, जो कि आपको इसमें भी मिल जाता है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है USB पोर्ट चार्जर, तो ऑन द गो दोनों ही बाइक्स में आप अपना फोन चार्ज कर सकते हो। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको TFT डिस्प्ले मिल जाता है देखने को, डिजिटल, फुली डिजिटल है। और ज्यादा कुछ इसमें भी नहीं दिखाता है कि बहुत ज्यादा चीजें दिखाता हो, बट इसमें भी आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और इसमें भी ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, थोड़ी बहुत डिटेलिंग ही है। बट यहाँ पे CNG के लिए इन्होंने एक स्विच दे रखा है, जो कि एक ही स्विच से आप CNG और एक ही स्विच से आप पेट्रोल पे ऑप्शन पे आ सकते हो। कॉल पिक करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक बटन भी डाल दिया है। एक कमी आपको फील होने वाली है, यहाँ पे इन्होंने इंजन किल स्विच नहीं दिया है, जो कि डेफिनेटली आपको ड्रॉबैक लगेगा थोड़ा बहुत। और यहाँ पे इन्होंने इंजन किल स्विच नहीं दिया है, बट यहाँ पे इन्होंने i3S टेक्नोलॉजी का एक स्विच दे दिया है, जो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी ट्रैफिक में और ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी क्लच लेते ही। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप देख ही सकते हो भाई, यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रीमियम लुक मिलता है, यहाँ उतना प्रीमियम लुक नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी लॉर्ड स्प्लेंडर को जाना ही जाता है। आप तो जानते ही हैं भाई, लॉर्ड स्प्लेंडर तब से है जब से इसका वजूद ही नहीं था, तब से लॉर्ड स्प्लेंडर हमारे यहाँ एकदम दबदबा कायम कर रखी है। पीछे के सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको मोनोसॉक सस्पेंशन मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको मोनोसॉक सस्पेंशन नहीं मिलता है। अब टायर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको C8 के टायर मिले हुए हैं, जो कि 80 सेक्शन का है, और फ्रंट में यहाँ भी आपको 80 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। एंड ये टायर यूरो ग्रिप के हैं। और यहाँ रियर की बात करें तो 120 सेक्शन का टायर मिल जाता है, बट आपको इसमें पीछे भी पतला ही टायर देखने को मिलता है 100 सेक्शन का। पीछे से बैकलाइट वैसी की वैसी है, यहाँ पे बैकलाइट भी आपको थोड़ा स्टाइलिश मिल जाती है। तो ये तो स्पेक्स की बातें हो गई, प्राइस की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब ये आपको पड़ने वाली है 95,000 एक शोरूम प्राइस स्टार्टिंग, और ये आपको पड़ने वाली 82,000 रुपीज एक शोरूम प्राइस स्टार्टिंग। अब आपको हम एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं कि एग्जॉस्ट नोट कैसा है दोनों का, ताकि एग्जॉस्ट भी देख लो आप। कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट आपको इसमें मिल जाता है, हीरो की स्प्लेंडर में कैसा एग्जॉस्ट नोट है ये भी देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। बाकी लिटरली अगर प्रीमियम लुक्स की बात करें, ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन की बात करें, तो वो डेफिनेटली बजाज फ्रीडम 125 का है। हालांकि 125 सीसी की बाइक है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस बाइक को लॉन्च किया गया है बिकॉज ये CNG है, तो इस बाइक को हम 100 सीसी से ही कंपेयर कर सकते हैं, तभी ज़्यादा बेटर है। 125 सीसी से कंपैरिजन में, पावरफुल कंपैरिजन में, ये कहीं खरी उतरने वाली नहीं है। कुछ कुछ बाइक से भले ही खरी उतर रहे, लेकिन सारी की सारी जो आजकल मार्केट में आ चुकी हैं ऑलरेडी, हीरो की ही 125 एक्सट्रीम आर आती है, उससे मुझे नहीं लगता कि उसका लुक भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, पावर भी इससे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम शुरू इसीलिए करने वाले
वाले हैं लॉर्ड स्प्लेंडर से। चलो इसको भगाते हैं और देखते हैं दोनों बाइकों में से कौन से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, क्योंकि 8 PS 9 PS ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी आपको अभी आइडिया हो जाएगा कि कौन सी बाइक ज़्यादा पावरफुल है, रोड पर तहलका मचा सकती है। बिकॉज वेट की बात करें तो यहाँ पर आपको वेट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, यहाँ 123 कप्स वेट है, बट यहाँ पर आपको 143 कप्स वेट मिलता है, तो इसलिए इसका वेट भी ज़्यादा है, पावर मैनेज हो जाएगी उतने में। तो चलो बैटल को शुरू करते हैं और देखते हैं दोनों में से ज्यादा फास्ट कौन सी है। गाइस अभी अपन आ चुके हैं फ्रीडम 125 पे और इधर गौरव चला रहा है स्प्लेंडर एक्सटेक। लेट्स सी भाई साहब क्या रिजल्ट होने वाले हैं, ये तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। वेट ज़्यादा है हमारा, मेरा भी वेट ज़्यादा है, बाइक का भी वेट ज़्यादा है, इधर वेट हल्का है, पावर थोड़ी सी कम है, तो चलो बैटल को शुरू करें। ओफो व्हीली मार के लॉन्च, देख रहे हैं मैंने आपसे कहा था ना वेट का थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा ही होगा, और स्प्लेंडर भाई निकली जा रही है। क्या बात है, स्प्लेंडर आगे है, स्प्लेंडर तहलका मचा रही है भाई ताबड़तोड़। 101 पहुंच गया हूं, बस निकल गई हवा। 101, 102, 103, 104, 105। तुम लखनऊ वाले को कैसे हरा सकते हो, रुको रुक जाओ, चीक दमाग डम डम, हट भैंस की टांग ले भैये। स्प्लेंडर ज्यादा पीछे नहीं है, 98 ले, फ्लाइट मोड लग गया उसमें। अरे यार सूरज भैया ये क्या है, फ्लाइट मोड अभी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, फिलहाल के लिए स्प्लेंडर का मोए मोए हो गया। टोटल 105 ही गई है, इससे ज़्यादा नहीं गई है, स्प्लेंडर ज़्यादा गैप नहीं मेंटेन की, लेकिन पीछे ही है। तो यहाँ पे इनिशियल में स्प्लेंडर आगे निकली, मुझे ऐसा लगता है कि स्प्लेंडर आगे इसलिए निकली है बिकॉज मेरा वेट ज़्यादा था, बाइक का थोड़ा सा वेट ज़्यादा था। राइडर अगर सेम वेट के होंगे तो डेफिनेटली फ्रीडम निकलेगी आगे, और टॉप एंड में फ्रीडम ने बाजी मार ली है स्प्लेंडर को हरा के। तो अब राइडर हम स्विच करेंगे और देखेंगे कि क्या मैं स्प्लेंडर, लॉर्ड स्प्लेंडर को जिता पाता हूँ भाई साहब फ्रीडम 125 से, या नहीं जिता पाता हूँ। तो चलो फटाफट राइडर स्विच कर लेते हैं। देखो वेट ज्यादा है, दोनों के गियर फंसे भाई, गियर इंडिकेटर तो है इसमें, ये रहे स्प्लेंडर लेके। हाँ चलो स्प्लेंडर मेरे पीछे है, चार ही गियर है इसमें, नहीं पांच है भाई, सॉरी स्प्लेंडर में चार गियर है, यहाँ पे आपको पांच गियर देखने को मिलते हैं। स्प्लेंडर काफ़ी पीछे हो चुकी है, जैसा देख सकते हो 97 जा चुका हूँ, 98 99। पूरी हवा काटूंगा भाई, गियर कम है भाई, 90 91 92 93 94 95 96 भागो 97 बस, इसकी सेवा समाप्त हो रही है और CNG की बाइक आगे भागी जा रही है। जैसा देख सकते हो बहुत पीछे हो चुकी है स्प्लेंडर, बहुत ज़्यादा 105 जा रही है ये, और स्प्लेंडर का तो मोए मोए हो गया, जाने देता हूँ, जाओ जाओ भैया जाओ जाओ। ये लिमिटर हिट हो रहा है 97 पे गाइस, इसका हल्का हल्का फील कर सकता हूँ मैं, तो इससे ज़्यादा तो ये नहीं भागने वाली है, और वो देखो वो लगातार गैप मेंटेन करती हुई जा रही है बिकॉज 105 तक भाग सकती है वो। तो यहाँ पे आप क्लियरली विनर देख सकते हो, बजाज की फ्रीडम 125 है, पावर हल्की सी भले ज़्यादा हो मेरे वेट पे भी ये जीत गई है टॉप एंड में। तो क्लियरली विनर जो है वो फ्रीडम है, हल्का सा ही डिफरेंस है, लॉर्ड स्प्लेंडर ने काफ़ी अच्छी टक्कर दी है, वैसे तो ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है।
तो ऐसा नहीं कहेंगे कि लॉर्ड स्प्लेंडर किसी भी तरीके से कम है, बट हल्की सी पावर कम फील होगी आपको डेफिनेटली। अब आप ये बताओ कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।